नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने IPL 2020 की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जहां पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले वनडे मैच के बारे में, उसका पूरा रिव्यू करेंगे इस वीडियो में कि किस IPL के खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जितने भी IPL फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं, वो फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक ठोको और यहाँ कहीं नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करो। तो दोस्तों, T20 सीरीज़ में 2-1 से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने T20 रैंकिंग्स में अपनी फर्स्ट पोजीशन तो बचा ली, लेकिन सीरीज़ नहीं बचा पाए। वहीं पर दोस्तों 11 सितंबर से वनडे सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है, जिसका पहला मैच खेला जा चुका है। और आपको बता दें कि इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। जी हाँ, और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 50 ओवर में 294 रन बनाए थे। जहां पर बात करें IPL की खिलाड़ियों की, तो दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के वार्नर ने इस मैच में केवल 6 रन बनाए, RCB के एरॉन फिंच ने 16 रन बनाए। वहीं पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के स्टॉइनिस ने 43 की पारी खेली। इसके अलावा दोस्तों मिचेल मार्श, जो कि इस साल SRH की टीम का हिस्सा हैं, तो उन्होंने यहां पर 73 रनों की पारी खेली। और दोस्तों KXIB के ग्लेन मैक्सवेल ने यहां पर 77 रनों की पारी खेली है। दोस्तों आप ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपनी अपनी फेवरेट टीम के खिलाड़ी का प्रदर्शन देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने कितनी गेंदों में कितने रन बनाए और कितने चौके छक्के मारे, ये सारी चीज़ आपको दिख रही होगी इसमें। जहाँ पर दोस्तों बैटिंग के नज़रिए से RCB के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि दोस्तों फिंच अभी उस तरह की लय में नज़र नहीं आए हैं और जॉश फिलिपी को अभी तक मौका नहीं मिला है, तो RCB के लिए ये चिंता की चीज़ ज़रूर रहेगी। वहीं पर दोस्तों बॉलिंग में आर्चर ने 3 विकेट लिए, जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे हैं इस बार, और मोइन अली को 10 ओवर में 59 रन पड़े और 0 विकेट मिला। तो दोस्तों ये तो थी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का एनालिसिस। और दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की पारी की, तो दोस्तों पारी की शुरुआत जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टोनी की, जहां पर दोस्तों जेसन रॉय को हेजलवुड ने शुरुआत में ही चलता कर दिया और SRH के बेयरस्टोनी ने इस मैच में 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके अलावा दोस्तों KKR के मॉर्गन ने 23 रन, राजस्थान रॉयल्स के बटलर ने 1 रन बनाया और दोस्तों RCB के मोइन अली ने केवल 6 रन बनाए। तो RCB के लिए यहां पर भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मोइन अली का बल्ला केवल एक मैच में चला, उसके बाद नहीं चला, तो RCB के लिए चिंता की बात है। वहीं पर दोस्तों RCB के लिए अगर कोई अच्छी चीज़ हुई है, वो हुई है दोस्तों एडम जैम्पा को लेकर। इस मैच में दोस्तों उन्होंने बहुत ही क्रूशियल गेंदबाजी की, जहां पर 10 ओवर में 4 विकेट उनके नाम पर है और दोस्तों इकोनॉमी भी 6 के नीचे है। तो यहां पर RCB के लिए अच्छी खबर है कि जैम्पा फॉर्म में आ गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों हेजलवुड, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा है, उनको 3 विकेट मिले हैं। इसके अलावा कमिंस को 1 विकेट मिला है। और दोस्तों KKR के लिए यहां पर ज़रूर चिंता की बात है, क्योंकि 15.5 करोड़ रुपए में उन्होंने कमिंस को खरीदा है इस साल, और दोस्तों कमिंस जो है वो विकेट नहीं चटका पा रहे हैं, तो टेल एंडर्स की चटका रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इंग्लैंड की टीम जो है वो 275 रन ही बना सकी और 19 रन से ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से बढ़त हासिल कर लिया है सीरीज़ में। और आपको बता दें कि अगला ODI 13 सितंबर को खेला जाएगा, जिसकी मैच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।